खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं जोधपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा मामला नहीं हुआ, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। पेपर लीक की बात महज अफवाह निकली है। नकल गिरोह ने परीक्षार्थियों को दिखाए थे 300 प्रश्न। इन्हीं 300 प्रश्नों को परीक्षार्थियों को कराया जा रहा था हल। परीक्षा में आए 150 प्रश्न नकल गिरोह के पास मिले। 300 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं मिला प्रश्न पत्र में। एडीसीपी पूर्व नाजिम अली ने जानकारी दी है, यानी कि तमाम अफवाहों पर अब विराम लगते हुए जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी कि पेपर लीक हुआ है, अब ये तमाम जो खबरें थी वो अफवाह बनकर रह गई हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र मिला था जब उनकी जांच की गई आज की परीक्षा के प्रश्न पत्रों से तो प्रश्न मैच नहीं हुए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, राहत की बात ये क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन किस तरह से पुलिस ने जांच की है क्योंकि अब प्रश्न पत्रों का मिलान नहीं हुआ है? निश्चित रूप से बहुत राहत की खबर है परीक्षार्थियों के लिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको देना चाहूंगा कि जो तथाकथित इस मामले का मुख्य सरगना है, उसने 40 लाख रुपए में पेपर खरीदने का सौदा किया था और उसमें 10 लाख रुपए वह प्राइमरी तौर पर दे चुका था और उसके बाद यह तथाकथित पेपर लेकर के आया था। और अब इस प्रत्येक परीक्षार्थी से 5 से 6 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी थी, क्योंकि यह पेपर अब फर्जी निकला है। तो पुलिस अब जिस मुखिया से यह पेपर लाया था उसकी भी जांच कर रही है और अब इन सभी परीक्षार्थियों के खिलाफ, कुल 29 परीक्षार्थी हैं और 5 नकल गिरोह के सदस्य हैं, 34 लोगों के खिलाफ पुलिस 420 जिसको धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो राहत की बात यह है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही एक पुलिस से बड़ा खुलासा किया है कि अभी भी इस मामले में पेपर माफिया है वो सक्रिय है। किसी न किसी तरीके से जो राशि एंटर का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो 10 लाख रुपए वह दे चुका था और 40 लाख में ये पेपर है वो खरीदने का सौदा हुआ था। जी शिव प्रकाश, देखिए क्योंकि इस तरह की खबरें आने के बाद तमाम अभ्यर्थियों के मन में एक डर सा पैदा हुआ, तो अब क्योंकि लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जानी है, 2:30 बजे से पेपर शुरू होगा, लेवल 1 की परीक्षा 12 बजे समाप्त हुई थी, तो क्या इसके बाद अब जो है सुरक्षा के इंतजाम को और भी कड़ा किया गया है क्योंकि नेट बंदी भी की गई है जयपुर सहित 7 जिलों में? जी निश्चित रूप से इस मामले के बाद प्रशासन और ज्यादा एहतियात बरत रहा है। जोधपुर में भी नेट बंदी कर दी गई है, चूंकि पहले यह सुबह नेट बंदी नहीं की गई थी लेकिन इस मामले सामने आने के बाद नेट बंदी की गई है। और सबसे बड़ी राहत की बात है कि एक भी प्रश्न प्रश्न पत्र में नहीं मिला है, तो कहीं भी यह संभावना है वो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है कि पेपर लीक कहीं हुआ हो। जी शिव प्रकाश, क्योंकि देखिए प्रदेश के 11 जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है, 2940 के करीब सेंटर बनाए गए हैं, इन 2940 सेंटर पर किस तरह से निगरानी की जा रही है क्योंकि ना सिर्फ जोधपुर से इस तरह की खबरें आई बल्कि जयपुर में भी डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, बीकानेर से भी खबर आ रही थी कि जो नकली आंसर की वहां भी बेची जा रही थी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, तो इसके बाद किस तरह से क्योंकि चुनौती बड़ी है प्रशासन के लिए, हालांकि बजट में घोषणाएं भी की गई लेकिन अब किस तरह से रुख रहने वाला है प्रशासन का क्योंकि ये चुनौती बने हैं ये तमाम सरगना? जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि एक नया माफिया है वो राजस्थान में नहीं पूरे देश में पनप चुका है, जो पेपर लीक माफिया है। तो इसी तरह की घटना आज जिस तरह से हुई उसके बाद पूरे जो परीक्षा केंद्र है वहाँ विशेष एहतियात बरती जा रही है, नेट बंदी कर दी गई है, साथ ही मेटल डिटेक्टर के जरिए परीक्षार्थियों को जांच के बाद परीक्षा केंद्र में भेजा गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 कैमरामैन लगाए गए जो पूरे परीक्षा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ ही जो पुलिस की स्पेशल टीम है, चाहे एसओजी है चाहे पुलिस विशेष टीम है, वह भी लगातार अपने मुखबिरों के जरिए इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है कि किस तरह से ये पेपर है वो लीक ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से पेपर संपन्न हो। जोधपुर कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में डीसीपी अमृता दुगन और डीसीपी गौरव की जो यह कार्रवाई की है और एडीसीपी नाजिम अली पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे जो परीक्षा होगी वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी और परीक्षार्थी बेहतर तरीके से परीक्षा दे पाएंगे। शिव प्रकाश, देखिए पूरा जाल बिछा है नकल गिरोह का, क्या इसके तार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से भी जुड़े हुए क्योंकि जिस तरह से यहाँ 40 लाख की डिमांड की गई थी वहां भी की गई थी? चलिए शिव प्रकाश, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश तिवाड़ी बातचीत कर रहे हैं हरिप्रसाद शर्मा से जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
बड़ी खबर का रुख करते हैं जोधपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा मामला नहीं हुआ, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। पेपर लीक की बात महज अफवाह निकली है। नकल गिरोह ने परीक्षार्थियों को दिखाए थे 300 प्रश्न। इन्हीं 300 प्रश्नों को परीक्षार्थियों को कराया जा रहा था हल। परीक्षा में आए 150 प्रश्न नकल गिरोह के पास मिले। 300 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं मिला प्रश्न पत्र में। एडीसीपी पूर्व नाजिम अली ने जानकारी दी है, यानी कि तमाम अफवाहों पर अब विराम लगते हुए जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी कि पेपर लीक हुआ है, अब ये तमाम जो खबरें थी वो अफवाह बनकर रह गई हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र मिला था जब उनकी जांच की गई आज की परीक्षा के प्रश्न पत्रों से तो प्रश्न मैच नहीं हुए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, राहत की बात ये क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन किस तरह से पुलिस ने जांच की है क्योंकि अब प्रश्न पत्रों का मिलान नहीं हुआ है? जी, निश्चित रूप से बहुत राहत की खबर है परीक्षार्थियों के लिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको देना चाहूंगा कि जो तथाकथित इस मामले का मुख्य सरगना है, उसने 40 लाख रुपए में पेपर खरीदने का सौदा किया था और उसमें 10 लाख रुपए वह प्राइमरी तौर पर दे चुका था और उसके बाद यह तथाकथित पेपर लेकर के आया था। और अब इस प्रत्येक परीक्षार्थी से 5 से 6 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी थी। क्योंकि यह पेपर अब फर्जी निकला है तो पुलिस अब जिस मुखिया से यह पेपर लाया था उसकी भी जांच कर रही है और अब इन सभी परीक्षार्थियों के खिलाफ, कुल 29 परीक्षार्थी हैं और 5 नकल गिरोह के सदस्य हैं, 34 लोगों के खिलाफ पुलिस 420 जिसको धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो राहत की बात यह है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही एक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि अभी भी इस मामले में पेपर माफिया है वो सक्रिय है। किसी न किसी तरीके से जो राशि हटने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो 10 लाख रुपए वह दे चुका था और 40 लाख में ये पेपर है वो खरीदने का सौदा हुआ था। जी शिव प्रकाश, देखिए क्योंकि इस तरह की खबरें आने के बाद तमाम अभ्यर्थियों के मन में एक डर सा पैदा हुआ, तो अब क्योंकि लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जानी है, 2:30 बजे से पेपर शुरू होगा, लेवल 1 की परीक्षा 12 बजे समाप्त हुई थी, तो क्या इसके बाद अब जो है सुरक्षा के इंतजाम को और भी कड़ा किया गया है क्योंकि नेट बंदी भी की गई है जयपुर सहित 7 जिलों में? जी निश्चित रूप से इस मामले के बाद प्रशासन और ज्यादा एहतियात बरत रहा है। जोधपुर में भी नेट बंदी कर दी गई है, चूंकि पहले ये सुबह नेट बंदी नहीं की गई थी लेकिन इस मामले सामने आने के बाद नेट बंदी की गई है। और सबसे बड़ी राहत की बात है कि एक भी प्रश्न प्रश्न पत्र में नहीं मिला है, तो कहीं भी ये संभावना है वो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है कि पेपर लीक कहीं हुआ हो। जी शिव प्रकाश, क्योंकि देखिए प्रदेश के 11 जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है, 2940 के करीब सेंटर बनाए गए हैं, इन 2940 सेंटर पर किस तरह से निगरानी की जा रही है क्योंकि ना सिर्फ जोधपुर से इस तरह की खबरें आई बल्कि जयपुर में भी डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, बीकानेर से भी खबर आ रही थी कि जो नकली आंसर की वहां भी बेची जा रही थी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, तो इसके बाद किस तरह से, क्योंकि चुनौती बड़ी है प्रशासन के लिए, हालांकि बजट में घोषणाएं भी की गई लेकिन अब किस तरह से रुख रहने वाला है प्रशासन का क्योंकि ये चुनौती बने हैं ये तमाम सरगना? जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि एक नया माफिया है वो राजस्थान में नहीं पूरे देश में पनप चुका है, जो पेपर लीक माफिया है। तो इसी तरह की घटना आज जिस तरह से हुई उसके बाद पूरे जो परीक्षा केंद्र है वहाँ विशेष एहतियात बरती जा रही है, नेट बंदी कर दी गई है, साथ ही मेटल डिटेक्टर के जरिए परीक्षार्थियों को जांच के बाद परीक्षा केंद्र में भेजा गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 कैमरामैन लगाए गए जो पूरे परीक्षा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ ही जो पुलिस की स्पेशल टीम है, चाहे एसओजी है चाहे पुलिस विशेष टीम है, वह भी लगातार अपने मुखबिरों के जरिए इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है कि किस तरह से ये पेपर है वो लीक ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से पेपर संपन्न हो। जोधपुर कमिश्नर रवि दत्त गौड़ के निर्देशन में डीसीपी अमृता दुल्हन और डीसीपी गौरव की जो यह कार्रवाई की है और एडीसीपी नाजिम अली पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे जो परीक्षा होगी वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी और परीक्षार्थी बेहतर तरीके से परीक्षा दे पाएंगे। शिव प्रकाश, देखिए पूरा जाल बिछा है नकल गिरोह का, क्या इसके तार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से भी जुड़े हुए क्योंकि जिस तरह से यहाँ 40 लाख की डिमांड की गई थी वहां भी की गई थी? चलिए शिव प्रकाश, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश तिवाड़ी बातचीत कर रहे हैं हरिप्रसाद शर्मा से जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, हमारे साथ है। हम बात करते हैं परीक्षा को लेकर पूरी आयोग की किस तरह की तैयारियां हैं।
कर्मचारी चयन बोर्ड ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है निश्चित रूप से बड़ी परीक्षा है, महत्वपूर्ण है और चुनौती भी है। हमने हमारी तरफ से जो जितने भी सर्वोत्तम प्रयास हो सकते थे वो किए हैं। जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परीक्षाएं सुरक्षित हो, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सर, परीक्षा को लेकर हर अभ्यर्थी के मन का जो सबसे बड़ा डर है पेपर आउट, वो कहीं थमता नजर नहीं आता। देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जैसे हमारे करीब 92 पेपर हुए, उनमें से 90 पेपर पूर्णतः सुरक्षित और सुनिश्चित हुए। एक पेपर में समस्या आई थी फॉरेस्ट गार्ड में, उसका हमने दोबारा करके परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। और जो CHO के संबंध में आरोप है उसके संबंध में SOG द्वारा जांच की जा रही है। मैं अभ्यर्थियों को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इतिहास देखें कर्मचारी चयन बोर्ड का, कि जितनी भी परीक्षाएं हुई है वो पूर्णतः सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई है। सर, परीक्षा की बात कर रहे हैं, आज भी परीक्षा जो आयोजित हुई है उसके पेपर आउट होने की भी अफवाह फैली है, क्या सच्चाई है पूरे मामले में? देखो, अफवाह के संबंध में जो जोधपुर से बात आई है तो जिला पुलिस और वहाँ के जिला प्रशासन ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि जो जिस प्रकार का जो गेस पेपर था या संदिग्ध प्रश्न पत्र था उसका मिलान आने वाले प्रश्न पत्र से कराया गया। परीक्षा में एक भी प्रश्न उसमें मेल खाना नहीं बताया गया। तो आप स्वयं समझ सकते हो इस बात को कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके निस्वार्थ हो सकते हैं, जो अफवाहें पैदा करके अभ्यर्थियों के मन में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। तो अभ्यर्थियों से भी मेरा यही निवेदन है कि ऐसी अफवाहों के का शिकार नहीं हो, किसी लोभ लालच या इनके शिकार नहीं हो, अपना बिल्कुल ईमानदारी से अपनी एग्ज़ाम देवे। और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षाएँ पूर्णतः सुरक्षित हो। अधिकांश पेपर सर आउट हुए हैं, अधिकांश एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनके पेपर आउट हुए, ये कह सकते हैं कि परिणाम से ज़्यादा पेपर आउट हुए हैं, क्या वजह रही है? मैंने आपको बताया कि मैं मेरे चयन बोर्ड की बता दूं कि 92 में से 90 पेपर में कहीं कोई 1% कभी कोई बात पैदा नहीं हुई। 2 प्रश्न पत्रों के बारे में बताया जिसमें एक का हमें संदिग्ध पाए जाने पर हमने दोबारा करा दिया और दूसरे की जाँच चल रही है। हाल ही में CHO का आउट हुआ, हाँ उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, उसकी SOG में जांच लंबित है, SOG की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम निर्णय लेंगे। बाकी 92 में से 90% होने का आप परसेंटेज समझ सकते हो कि कितना परसेंट कर्मचारी चयन बोर्ड ने, 97% अभी तक हमने पूर्ण सफलता सुरक्षित तरीके से कराने में सफलता हासिल की है। आज के पेपर की जो अफवाह है, क्या वजह मानते हैं, किस तरह ये अफवाह क्यों बनाई गई है? अफवाहें, आप कहते हैं कि अफवाह तो अफवाह होती है और उसके कोई पीछे आधार नहीं होता, कोई भी फैला सकता है, किसी का निस्वार्थ होता है, कोई भी ऐसे तत्व होते हैं जिनको इसी में आनंद आता है कि माहौल ख़राब हो। तो ये इन चीज़ों से निश्चित रूप से मैं मीडिया से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जब तक तथ्यों का सत्यापन नहीं हो अननेसेसरी माहौल को इस रूप में उत्तेजित नहीं बनाया जाए। आगामी 5 दिन के लिए प्रदेश में कंटिन्यू एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती L1 L2 के लिए आप एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं, तो एक बड़ा अभ्यर्थियों में डर है, क्या संदेश ऐसे माहौल में बच्चों को देना चाहेंगे? नहीं, डर रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। L1 पूर्णतया संपन्न कुशलता के साथ संपन्न हो चुकी है, जैसे कि अब तक सूचना प्राप्त है। और L2 की प्रोसेस दोपहर बाद से शुरू हो जाएगी, उसमें 8 पेपर हैं और उनका मैंने बताया कि बोर्ड ने अपनी तरफ से एक भी क्षेत्र जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन का सहयोग लेते हुए, राज्य स्तर के अधिकारियों से सहयोग लेते हुए पूरी तरह से परीक्षाओं को सुरक्षित कराने के लिए जितने सर्वोत्तम इंतजाम हो सकते हैं उतने प्रयास किए हैं। अधिकांश संभाग मुख्यालयों पर नेट बंदी कर दी गई, आम जनता इसमें परेशान है, आम जनता का क्या कुछ? देखो, ऐसा है कि नेट बंदी के संबंध में जो भी प्रशासन होता है वो अपने स्तर पर अपने विवेक से निर्णय लेता है। भारत 24